सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध कहां पहुंचते हैं? एक बार पहुंचे कि वापस आते अपुनरावृत्ति, वापस आने का कोई पीछे है ही नहीं, बंधन आएंगे किस लिए? लोकाग्र भाग में अलोक जहां पर धर्मास्तिकाएं जहां तक है, अधर्मास्तिकाएं जहां तक है, वही तक जीव की गति है और एक समय में पहुंचता है। यहां से शरीर छूटा, पलक झपकने के पहले तो मोक्ष सिद्ध शिला पर है। ऐसी वो सिद्ध शिला, उस सिद्ध शिला का ध्यान, उस सिद्ध शिला में अनंत अनंत सिद्ध है। एक में जैसे एक लाइट में दूसरे का लाइट समा जाता है, जैसे लाइट में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, वैसे ही वहां एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाया है, अनंत सिद्ध में एक सिद्ध है। अंतिम शरीर की जो ऊंचाई, अंतिम शरीर की जो अवगहना है, वो खड़े खड़े सिद्ध हुआ है, तो उसी रूप में वहां पर तीन वन थर्ड कम हो जाएगा, टू थर्ड उसकी अवगहना रहेगी। कोई पद्मासन में गया है, कोई लेटे लेटे गया है, जो प्रातो पायोगमन संथारा कर करके मोक्ष में पधारते हैं, वो तो लेटे लेटे मोक्ष में जाते हैं। कोई पद्मासन में जाता है, कोई खड़े खड़े जाता है, किसी आसन की कोई मर्यादा नहीं है। ऐसा ही अपने को सिद्ध बनने के लिए दिया हुआ परमात्मा का वरदान, इसलिए सिद्धे शरणम। आगे देशना शुरू हो रही है संसारी जीव के, और संसारी जीव में सबसे पहले अपने जहां से यात्रा चलती है एक इंद्रिय से, पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, स्थावर त्रस, ये सारी यात्राएं हम लोग कर करके आए हैं। कितनी बार करी उसकी कोई काउंटिंग है? नहीं है। अब वापस ये यात्रा ना हो, वापस ये यात्रा ना हो, वापस उस पृथ्वी में नहीं जाना है, वापस आप नहीं बनना है, वापस अग्निकाय में नहीं जाना है, वापस वनस्पति में नहीं जाना है, वापस वायुकाय में नहीं जाना है, भेन्द्रिय तेन्द्रिय चवरेन्द्रिय में वापस नहीं जाना है, त्रियंच पंचेंद्रिय में भी नहीं जाना है। जाना तो केवल दो ही पंचेंद्रिय में है, कौन से? मनुष्य और देव, वहां से या नहीं, यहां से वहां, बस। बाकी सारे गतियों का दरवाजा बंद करने के लिए पृथ्वी का है, आपका है, और वनस्पति का है, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, 10 लाख साधारण, 14 लाख, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। इन सारे योनियों में हम कितनी बार जा करके आ गए, पुनः इन जगह पर नहीं जाना हो तो एक छोटा सा संकल्प मन में ले सकते हैं, किसी पृथ्वी के काय पर घृणा नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, किसी पानी को लेकर के गंदा है, अच्छा है, जैसा भी है वैसा ही है, उसको लेकर के नाक भो नहीं सिकुड़ेंगे, और कोई बहुत मीठा सुवासित पानी है तो चेहरा थोड़ा खुश नहीं करेंगे। किसी वनस्पति का है कि जीव को लेकर के, किसी वनस्पति के जीव को लेकर के कोई आसक्ति का बंध, चाहे प्यार का हो चाहे द्वेष का हो, कि जाने के दो ही रास्ते हैं, किसी को आसक्ति से बंध पकड़ लिया, किसी को राग से पकड़ लिया, किसी को द्वेष से पकड़ लिया, जिसको हम पकड़ते हैं वह हमें जाना पड़ता है, जिसको हम पकड़ते नहीं वह हम जाते नहीं। आपने धर्मसभा को पकड़ा इसलिए धर्मसभा में आप आ रहे हैं, आपने धर्मसभा को पकड़ा नहीं तो धर्मसभा में आने का कोई रास्ता नहीं। जिसको पकड़ते हैं, प्रभु महावीर को इंद्रभूति गौतम ने पकड़ा, तो जन्म जन्म में इंद्रभूति प्रभु महावीर के पास आते रहे, और ऐसा भी हुआ कि इंद्रभूति गौतम जाने पाए प्रभु के पास तो प्रभु चल करके आ गए, क्योंकि पकड़ दे एक जन्म की नहीं कई जन्मों की प्रभु को पकड़ता है, और ऐसा पकड़ा ऐसा पकड़ा ऐसा पकड़ा है कि 23 के 23 तीर्थंकर को जहां केवल ज्ञान होता है वहीं पर उनके गंधर आ जाते हैं,
और कई तीर्थंकर तो अपने गंधर्वों के साथ ही दीक्षा लेते हैं। भगवान महावीर ने दीक्षा भी अकेले ली, निर्वाण भी अकेले में गए, लेकिन प्राय मल्ली भगवती, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान अरिष्टनेमी, शांतिनाथ, इन्होंने हजारों सैकड़ों लोगों के साथ दीक्षा ली और उनके भी गंधर्व साथ में बन गए। लेकिन परमात्मा को जहां केवल ज्ञान हुआ है वहां गंधर्व नहीं आए, जहां गंधर्व थे वहां परमात्मा चल करके पहुंचे, क्यों? पकड़ थी। इसलिए ये पकड़ने का सूत्र है और ये निर्वाण कल्याणक की आराधना इसलिए है कि हम प्रभु को पकड़े, हम इंद्रभूति गौतम को पकड़े, हम सुधर्मा स्वामी को पकड़े, उनको कैच करे, उनको ग्रहण करे। उनको जो ग्रहण करता है वे उसको कभी छोड़ते नहीं है। चिंतन कर सकते हो, परमात्मा प्रभु महावीर साधना काल में है और जिसके आंखों में जहर है वो चंडकोशिक सर्प है। कोई अकेला वही की सर्प था क्या? बहुत सारे सर्प थे दुनिया में, बहुत सारे दृष्टिविष सर्प थे, परमात्मा वहां ही क्यों गए? किसी जन्म में, किसी भव में चंडकोशिक के जीव ने परमात्मा को कैच किया होगा और वो कैच किया हुआ अंतिम जन्म में तो सारे कैचिंग का रिश्ता चुकाना ही है। चाहे चंडकोशिक हो, चाहे शिल्पाणी यक्ष का मंदिर हो, कि उस समय क्योंकि एक ही वान्यंतर था क्या? बहुत सारे वान्यंतर थे, कितने ही वान्यंतर थे, लेकिन परमात्मा ने साधना काल में किसी वान्यंतर देवता को प्रतिबोध देने के लिए अपने आप को कसूटी पर लगाया। साधना के पहले ही वर्ष में, पहले ही चतुर्मास में, द्विजंत का चतुर्मास आश्रम छोड़ करके परमात्मा कहीं पहुंचे तो कहां पहुंचे? शूलपाणी यक्ष के पास पहुंचे। व्हाट इज द रीजन? और कोई रास्ता नहीं था, वहां क्यों गए? एक ही कारण है कि शूलपाणी यक्ष के जीव ने परमात्मा प्रभु महावीर की चेतना के साथ किसी भाव में, किसी रूप में एक अनुराग का रिश्ता बंधा हुआ था। ऐसा ही नहीं कि अनुराग का रिश्ता है, जिसके साथ द्वेष का रिश्ता बंधा था वो कठपुतना व्यंतरी, वो विजयावती रानी, उसको मिलने के लिए भी तो बरगद पेड़ के नीचे जाकर के ध्यान करने खड़े हो गए। ये पकड़ने का सूत्र है। इसलिए सुधर्मा स्वामी, इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर, एक ऐसा अनुबंध, एक ऐसा अनुबंध कल्पना जितनी आप कर सकते हो करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। कल के समो शरण में से भगवान महावीर इंद्रभूति गौतम को देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए जाने के लिए कहेंगे। क्या अकेला देव शर्मा ही था? नंदीवर्धन नहीं था जो समाचरण में पहुंचा? नहीं, देव शर्मा के पास ही क्यों इंद्रभूति गौतम को जाने के लिए गया? और भी बहुत सारे ब्राह्मण थे, और भी बहुत सारे जीव थे कि जो मिथ्यात्व में लिप्त थे, लेकिन कहां जाने के लिए कहा? केवल देव शर्मा के पास जाने के लिए कहा। धन्यवाद इंद्रभूति गौतम को, जिनको ये पता है कि अज्ञात नहीं है कि मैं जाऊंगा तो लौट करके नहीं आ पाऊंगा, ये पता है उनको। आप लोगों की धारणा है, आप लोगों के पास ये बात पहुंची है कि परमात्मा ने उसको व्याकुल न होने के लिए अपने से दूर भेजा? नहीं, भगवती सूत्र में परमात्मा ने स्वयं इंद्रभूति गौतम को कहा था कि जिस समय मैं निर्वाण में पहुंचूंगा तब तुझे केवल ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि इंद्रभूति गौतम को ये पता नहीं था, इंद्रभूति गौतम को पता था। पता होते हुए परमात्मा ने फरमाया कि जाना है तो चिंतन नहीं चला। इसलिए तो कई बार अंतर्मन में एक भाव जन्मता है
भक्ति हो इंद्रभूति गौतम जैसी, सेवा हो सुधर्मा स्वामी जैसी, भक्ति हो बोलो, सेवा हो सुधर्मा स्वामी जैसी, केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा गोत्री नहीं जाते थे, परमात्मा को आहार ला करके कौन देता था, सुधर्मा स्वामी। कल्पना करो जो एक पल के लिए भी, एक रात के लिए, एक दिन के लिए भी परमात्मा से कभी अलग नहीं हुए। इसलिए आचार्य तो सुधर्मा के गीत गाते गाते कहते, धन्य सुधर्मा तेरे पात्रों का आहार प्रभु करते थे, इससे बढ़कर के जीवन में सौभाग्य और क्या हो सकता है, क्या वो भाग्य होगा, क्या सौभाग्य होगा, क्या पुण्य होगा। और सुधर्मा स्वामी की जन्मभूमि वही है जहां परमात्मा ने अपने पहला पारना किया। दीक्षा लेने के बाद पहला पारना कहा क्या परमात्मा ने, कुल्लांग सन्निवेश, करमार ग्राम से विहार कर करके कुल्लांग सन्निवेश बहुल ब्राह्मण के आंगन में देखा होगा सुधर्मा ने उस समय भी परमात्मा को। एक पल के लिए मन में भाव जन्मे हो गए वो आहार प्रदान करते हुए बहुल को देख करके कि मेरे भी जिंदगी में ऐसा अवसर आए कि मैं परमात्मा को आहार बिरा सकूं। और एक पल के लिए वो भावना अंतर की भाई हो गई कि एक जन्म का तो रिश्ता नहीं था, रिश्ता तो कई जन्मों का था और इसलिए परिचय की जरूरत नहीं थी। गोबर ग्राम क्षत्रिय कुंड ग्राम से बिल्कुल पास में जहां का इंद्रभूति गौतम का जन्म है। कई बार परमात्मा इंद्रभूति गौतम के गांव से गुजरे हैं। क्षत्रिय कुंड ग्राम से गोबर ग्राम कोई दूर नहीं है, कुल्ला सन्निवेश कोई दूर नहीं है। कई बार इंद्रभूति गौतम ने साधना काल में परमात्मा को देखा, आकर्षण जन्मा, लेकिन एक अहंकार, उस अहंकार के कारण से जा न पाए प्रभु के पास। इंद्रभूति का अहंकार समाप्त करने के लिए प्रभु स्वयं पधारे। ऐसा ही अनूठा जिन शासन का परमात्मा प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान आज बीसवा दिन, कल 21वां दिन, कल की रात परमात्मा की, आज की रात परमात्मा की, आज सुबह से समुशरण की यात्रा शुरू हो गई। 55 अध्याय परमात्मा फरमा रहे आज, पुण्य का क्या परिणाम होता है, पुण्य का बंध कैसे होता है, कैसे पुण्यशाली जीवों ने पुण्य का बंध कर करके स्वयं का भी कल्याण किया, दूसरों का भी कल्याण किया और स्वयं मोक्ष में चले गए। ऐसे 55 पुण्यशाली जीवों का चरित्र परमात्मा आज फरमा रहे हैं राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में। कल परमात्मा फरमाएंगे 55 ऐसे पापी जीवों का चरित्र है कि जिनके पाप के केवल 10 अध्याय और पुण्य विपाक के केवल 10 अध्याय आज अपने पास है। 55 में से बचे कितने हैं, 10 बचे, 45 चले गए। लेकिन वो 10 अध्याय का भी जब दुख विपाक का जिक्र पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते लगता है कि जीव क्या पाप करता है, किस प्रकार आदमी मिथ्यात्व के चक्कर में उलझ करके कैसे हिंसा, कैसे भोग, कैसे आग्रह, कैसा रस
और किस किस में किस प्रकार का डूब करके वो पापों का बंध कर करके अपना संसार बढ़ाता है। लेकिन गजब की देशना परमात्मा के कल की, इतना पाप करने के बाद भी एक दिन उनको अक्कल आती है, एक दिन उनको अक्कल आएगी, एक दिन उनको समझ आएगी, और जिस दिन समझ आएगी उस दिन उनकी यात्रा मोक्ष की शुरू हो जाएगी, वो जीव भी मोक्ष में जाएंगे। कई बार ये सवाल आता है कि दुख आप इतने पाप